फिर वो दीपिका को बुलाई मैडम और बात की, और बात करने के बाद बोली, बस मैं बहुत पतली दुबली थी, तो बोली कि इससे तो भारी धनुष है, ये कैसे तीर चलाने सकेगी। गोल्ड मेडल विन फॉर दीपिका कुमारी ऑफ इंडिया। कभी दुनिया की नंबर वन महिला तीरंदाज से भारी था धनुष। गोल्डन गर्ल दीपिका की ऊंची उड़ान ने पूरे किए परिजनों के अरमान। अब भी टेम्पो चलाते हैं दीपिका के पिता शिव नारायण महतो। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जब वो 12 साल की थी तो लोहरदगा में हुई तीरंदाजी की पहली प्रतियोगिता में असफल रही थी। इसके बाद तीरंदाजी में करियर बनाने की जिद लिए जब वो खरसावां स्थित तीरंदाजी एकेडमी पहुंची तो यहां भी ट्रायल से उसे हार का सामना करना पड़ा। उसका डील डॉल देखकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने कहा था कि इससे भारी तो धनुष है, ये तीर कैसे चलाएगी। तब उसने कहा था कि मुझे 3 महीने का मौका दीजिए, अगर मैं कुछ ना कर सकी तो मुझे निकाल दीजिएगा। उसका आत्मविश्वास देखकर मीरा मुंडा ने उसे तीरंदाजी में खुद को साबित करने का मौका दिया था। आज वो दूसरी दफा दुनिया की नंबर वन महिला तीरंदाज बन गई है। तीरंदाजी में अपने जुनून से सफलता की स्वर्णिम कहानी लिखने वाली दीपिका की आसमान छूती उपलब्धियों के साथ उसके परिजनों की किस्मत भी बदल गई है। रातू चट्ट स्थित दीपिका का छोटा सा घर समय के साथ उसकी उपलब्धियों के साथ कदम ताल करता हुआ अब 3 मंजिला हो चुका है। गोल्डन गर्ल दीपिका की उपलब्धियों और उसके माता पिता की उम्मीदों पर नजर डालती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। पेरिस में चल रही विश्व कप तीरंदाजी में रविवार को एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद सोमवार दोपहर जब आजाद सिपाही की टीम दीपिका के रातू चट्ट स्थित आवास पर पहुंची तो उसके माता पिता एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद दीपिका के पिता शिव नारायण महतो ने कहा कि बेटी ने अकेले 3 गोल्ड जीता है और दामाद अतनु का गोल्ड जोड़ लें तो ये 4 हो जाता है। हम दीपिका की इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं। उसका अगला लक्ष्य ओलंपिक में मेडल हासिल करना है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने पति के साथ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाएगी। एक दिन में इतनी उपलब्धियां झोली में आई हैं कि खुशियों का ठिकाना नहीं है। पहले तो मेरा एक खिलाड़ी था लेकिन अब बेटी दामाद दोनों खिलाड़ी है, तो अब तो हम भरपूर आशा करते हैं कि कुछ न कुछ लोग जरूर लाएंगे। इसके बाद शिव नारायण महतो अपने गैरेज में ले जाते हैं और अपना लकी टेम्पो दिखाते हुए कहते हैं कि दीपिका ने जब अर्जुन अवार्ड जीता था तो इसी टेम्पो में बिठा कर मैं उसे रांची रेलवे स्टेशन से घर लाया था। अब घर में एक शेवरोले की टवेरा कार है। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं हैं और ये सब मेरी बेटी की उपलब्धियों का नतीजा है। जो भी कमाई बेटी ला के दी और उसी से हम आगे बढ़े हैं। जो भी कमाती थी ला के देती थी, जो भी एक पैसा इधर उधर खर्चा नहीं करती थी और बोलती थी लीजिए पापा, अगर चौसा बेटा रहता तो बेटा हमको नहीं देता। दीपिका की माँ गीता देवी ने बताया कि अब मेरी ईश्वर से यही कामना है कि वो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते। जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही है उससे यही लगता है कि उनकी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। बेटी का पद्मश्री का अवार्ड दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जब दीपिका को पद्मश्री का अवार्ड मिला था तो वो ये अवार्ड लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। अब उम्र से बड़ी उसकी उपलब्धियां होती जा रही हैं। गीता देवी ने बताया कि दीपिका जब 12 साल की थी तब उसने लोहरदगा में आयोजित तीरंदाजी की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाई थी, पर इसके बाद उसे तीरंदाजी का जुनून सा सवार हो गया। घर आकर उसने कहा कि उसे तीरंदाज बनना है। अब हमारे सामने मुश्किल थी क्योंकि हमें भी तीरंदाजी का कोई आइडिया नहीं था। हमने उससे पूछा कि तीरंदाजी क्या होती है तो उसने कहा कि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख में जो तीर मारा था उसे कहते हैं तीरंदाजी। उसके बाद उसे लेकर हम खरसावां स्थित आर्चरी अकेडमी गए। वहां उसने ट्रायल दिया पर सफल नहीं हुई। इसके बाद वो रोने लगी तो कोच ने कहा कि देखिए ये मीरा मुंडा की आर्चरी एकेडमी है, अगर वो परमिशन देंगी तो हम इसे सिखाएंगे। दीपिका की माँ बताती हैं कि इसके बाद उसके पिता के दोस्त की मदद से हम उसे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर ले गए। वहाँ मीरा मुंडा ने दीपिका को देखकर कहा कि इससे भारी तो धनुष है, कैसे ये तीर चलाएगी। इसके बाद हम उदास हो गए तो दीपिका ने कहा
कि मैं मैडम से बात करूं, तो उसने मीरा मुंडा से कहा कि मैडम मुझे 3 महीने का मौका दीजिए, अगर 3 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाती हूं तो मुझे निकाल दीजिएगा। उसका आत्मविश्वास देखकर मीरा मुंडा ने कहा कि बच्ची में इतना आत्मविश्वास है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद उसे खरसावां स्थित तीरंदाजी एकेडमी में प्रवेश मिल गया। यहां वादे के अनुसार 3 महीने में उसने अमेरिका में मेडल जीता और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो जाने के बाद में वहां प्रतियोगिता में भाग ली थी, पर वो सफल नहीं हो पाई और उसके बाद में एक जुनून सा वो बना ली कि हमको इस तिरंगदाज में जाना है। तो हमको फ़ोन की, बोली कि मम्मी तिरंगदाज में हमको खेलना है। तो हम बोली तिरंगदाज क्या होता है, हमको भी पता नहीं था इसके विषय में। जो अर्जुन आँख में जो तीर मती मारा था उसको बोलते हैं तिरंगदाज। फिर वो दीपिका को बुलाई मैडम और बात की, और बात करने के बाद बोली, बस में बहुत पतली दुबली थी, तो बोली कि इससे तो भारी धनुष है, ये कैसे तीर चलाने सकेगी। तो थोड़ा सा हम लोग उदास हो गए। और उसके बाद वही दीपिका बोली कि मम्मी हम मैडम से बात करें। हम बोली हाँ करो। तो वही बोली कि मैडम हमको 3 महीना का मौका दीजिए, अगर 3 महीना में कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमको निकाल दीजिए। गीता देवी ने बताया कि दीपिका को जब किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद 50,000 रुपए मिले तो उसने कहा कि माँ इस पैसे से घर बना दो। हमने उससे कहा कि बेटे 50,000 में घर नहीं बनता है। उस समय इसके पिता टेम्पो चलाते थे और मैं नर्स थी, पर सैलरी नहीं मिलती थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई हमारी भी समस्याएं कम होती गई। अब मुझे सैलरी भी मिलती है और बढ़ भी गई है और कोई दिक्कत नहीं है। दीपिका की जीत के साथ आपकी भी स्थिति बदलती चली गई, कैसे बदली ये बताइए। वो देखिए जैसे जैसे वो खेलते गई और खेलने के बाद में हम लोग भी उसको उत्साहित देते गए। तो इसकी एक कहानी है कि जब वो खेल करके आई थी तो उसको 50,000 कहीं मिला था, तो दीपिका बोली कि मम्मी हम लोग को 50,000 मिला है, घर बना दो पहले। तो हम बोले कि नहीं बेटा, 50,000 में तो घर नहीं बनता है। तो बोली कैसे नहीं बनेगा, बन जाएगा 50,000 में घर। हम बोले और तुम कमाओ ना बेटा, आगे जीतो ना, आगे बढ़िया से खेलो तो हम घर बनाएंगे। तो इस तरह से हम भी अभी सर्विस कर रहे हैं। उस समय भी मेरा सैलरी नहीं था, अभी मेरा कुछ सैलरी बढ़ गया है। तो धीरे धीरे दोनों को मिला करके आगे की ओर बढ़ते गए और थोड़ा थोड़ा मतलब जो दिक्कतें थी वो खत्म होते गया। दीपिका ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में इतिहास रच दिया है। विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से जीतकर स्वर्ण पदक की अपनी हैट्रिक उसने पूरी की। इस जीत के साथ वो दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं। विश्व तीरंदाजी ने सोमवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी की जिसमें दीपिका को पहला स्थान मिला। दीपिका कुमारी ने दूसरी बार तीरंदाजी में ये उपलब्धि हासिल की है। रातू की बेटी और झारखंड की शान 27 वर्षीय दीपिका ने साल 2012 में पहली बार तीरंदाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।